अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर की बात करें तो जो फिज़िकल लेक्चर हम लोगों ने लिया था उसमें हम लोगों ने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया था। सेक्शन बी से मुराद क्या है कि स्टेट्स का सेक्शन स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेट्स के सेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और स्टेट्स में हम लोगों के पास शाहिद जमाल की जो बुक थी बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की, वो इस्तेमाल हो रही थी और उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, थोड़ा रिव्यू दे दूँ। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों को डेटा दिया हुआ था, हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाई थी, सही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम करके उसको रेंज में रेंज मालूम करी थी माइनस करके, और फिर नंबर ऑफ़ क्लासेस सपोज करी थी और नंबर ऑफ़ क्लासेस हम लोगों ने 6 कंसीडर करके उसकी हाइट निकाली थी, और हाइट निकाल के हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाई थी। जब हम लोगों ने क्लास इंटरवल बनाई थी तो क्लास इंटरवल के बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, दोनों तरह की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, लेस देन मोर देन, ये तमाम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज बना ली थी। आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो काम ये करने जा रहे हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मगर उस क्वेश्चन में क्या है, उसमें आप लोगों के पास जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद ये है कि आप लोगों को कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आ जाए और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आ जाए। अच्छा, अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग ये काम कर रहे थे कि उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे। यानी कि क्वेश्चन दिया जाता है हम लोगों को, क्वेश्चन में बोला जाता है कि रॉ डेटा को, जो भी अनग्रुप डेटा होता है जो ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में होता है, इस अनग्रुप डेटा को आप लोग चेंज कर दें किसमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि ग्रुप डेटा में चेंज कर दें, यानी कि अपने डेटा को कैटेगराइज कर दें, अपने डेटा को ग्रुप में चेंज कर दें, यानी कि कॉलम बना दें। तो हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाते थे, यानी क्लास इंटरवल के, फ्रीक्वेंसी के, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के, हम लोग अपने रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में चेंज कर देते थे। आज हम लोग काम क्या करेंगे, इसी की मदद से दूसरा काम करेंगे, सही है, बुक की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी तो हमें आती है, मगर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनती है, ये बनाना तो हम लोग को आती है। क्वेश्चन में हम लोगों ने सीख लिया था कि लेस देन मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं, मगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनती है, क्या हमारे पास प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन बातों का ख्याल रखना है वो बातें आप लोग सुन लें, अच्छी तरह गौर से सुन लें। ऑनलाइन लेक्चर आप लोग ले रहे हैं तो हर चीज़ के अपने एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फिज़िकल क्लासेस में मौजूद हैं आप लोग, उसमें तो टीचर आपके सामने खड़ा हुआ है, टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है, आप लोग का ध्यान टीचर के ऊपर है, टीचर की बातें आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है। मगर ऑनलाइन लेक्चर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि भाई एक ऐसे इन्वायरमेंट मौजूद है जिधर शोर हो रहा है, जैसे बराबर में टीवी चल रहा है या लोगों की आमदोरफ्त है, सही है, 10 लोग मुझसे मुखातिब हो रहे हैं और मैं लेक्चर भी देख रहा हूँ। तो ऐसे में जब अगर मैं किसी भी मोबाइल से या टैबलेट से या लैपटॉप पे या अपने माइक्रो कंप्यूटर पे लेक्चर देख रहा हूँ, तो वो उस लेक्चर में जो भी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं वो बातें आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी, आप लोगों का ध्यान ही नहीं होगा। जब आप लोगों का ध्यान नहीं होगा तो जो भी चीज़ इधर पढ़ाई जाएगी वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो सिर्फ लेक्चर अटेंड करके बस अपनी प्रेजेंट लगाना मकसद नहीं है, सही है, इधर कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप लेक्चर नहीं लेंगे तो आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे, आप लोगों के बोर्ड के फॉर्म प्रोसेसिंग में नहीं जाएंगे, इस तरह के तमाम कोई भी चीज़ नहीं है। इधर आप लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटर में तो आप अपने ध्यान की वजह से आप लोग अपने चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, सही है, जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आए उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप लोग इस सोच को लेके लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग के पास एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। एनवायरनमेंट क्या हो कि आप लोग के पास एक ऐसा रूम हो जिधर किसी कोई शोर ना हो, सही है, जिधर खामोशी हो, जिधर आप लोग अपने लेक्चर पे ध्यान दे सकें। कोई भी लेक्चर अटेंड करें, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो स्टेट्स का हो या बाकी किसी सब्जेक्ट का हो, तो भाई घर वालों को बता दें कि मेरा इस टाइम से इस टाइम तक मैं बिजी हूँ, मेरा ऑनलाइन लेक्चर है, मैं इस रूम में मौजूद हूँ, मुझे बराए मेहरबानी डिस्टर्ब ना किया जाए, और बहुत ज़रूरी बात हो तो मुझसे की जाए, वरना मैं अपना पढ़ रहा हूँ, सही है।
आप उस रूम में मौजूद हो और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का लेक्चर है या स्टेट्स का लेक्चर है तो स्टेट्स की बुक स्टेट्स का रजिस्टर मेरी तमाम स्टेशनरी मेरे पास मौजूद हो। ये ना हो कि टीचर ने बोला बुक खोलें तो मैं बुक लेने भाग रहा हूँ या अकाउंट्स के रजिस्टर ने अकाउंट्स के सर ने बोला कि अकाउंट्स का रजिस्टर ओपन करें तो मेरे पास रजिस्टर नहीं है मैं रजिस्टर लेने भाग रहा हूँ। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों के पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो तमाम आपके पास हों ताकि आप लोग उस एनवायरनमेंट के तहत क्लास ले सकें जो एनवायरनमेंट आप लोगों को क्रिएट करके दिया जा रहा है, यानी कि जिस तरह नॉर्मली फिजिकल क्लासेस का एनवायरनमेंट होता था। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आप जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो जब वो बोले कि हाँ भाई बुक खोलें बुक में ये वाली एग्जाम्पल देखें सही है या कोई काम व्हाइट बोर्ड पे करवाया जा रहा हो तो आप लोगों के पास साथ साथ कोशिश करें कि साथ साथ वो काम अपने रजिस्टर में भी कॉपी कर लें। पूरा रजिस्टर इसी तरीके से बनेगा, जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को कीजिए ताकि जो भी आप लोगों के पास स्टडीज़ का गैप आ रहा था वो गैप ना आए, आप लोगों का रजिस्टर कंप्लीट हो। ये ना हो कि आप लोगों ने सारे लेक्चर ले लिए मगर होमवर्क एक भी नहीं किया तो बदनाइज आप ही लोग होंगे, काम आप ही लोगों के साथ जमा होगा सही है, तो आप ही लोगों को करना है। तो कोशिश करें कि लेक्चर वाइज जो जो काम दिए जा रहे हैं उन कामों को साथ साथ कर लें ताकि जो आप लोगों के पास चीज़ें हैं सिलेबस है वो निमटता चला जाए सही। तो इन दो तीन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भरपूर फायदा होगा जो भी आप लोग ऑनलाइन लेक्चर लेंगे। अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर की तरफ आएंगे। मैं आप लोगों को पेज नंबर बता रहा हूँ, बुक का पेज नंबर है आप लोगों के पास स्टेटिस्टिक्स की बुक है शाहिद जमान की, पेज नंबर 16 पर आ जाइएगा। पेज नंबर 16 पर जब आप लोग आएंगे तो पेज नंबर 16 पर आप लोगों के पास एग्जाम्पल दी हुई है, एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में क्या बोला है, उस एग्जाम्पल में हम लोगों को बोला है ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन ओ गिव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस एग्जाम्पल में ओ गिव बनाने का बोला है सही है, तो ओ गिव हम लोगों के पास बनता किससे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। ये एग्जाम्पल रीड करवाने का मकसद क्या है, ये एग्जाम्पल रीड करवाने का मकसद ओगिव बनाना नहीं है, ये एग्जाम्पल रीड करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी आ जाए। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनती है ये हम लोग सीखेंगे, बाकी ग्राफ से रिलेटेड डायग्राम से रिलेटेड दूसरे लेक्चर्स होंगे वो लेक्चर हम लोग देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा, मगर अभी हम लोग ग्राफ को डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया क्योंकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन जिसको ओगिव बोला जाता है ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगोन बनता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे इसमें वो चीज आप लोगों को दिखानी है। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी बनी भी दे दी है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें ये चीजें बनी भी नहीं दी हुई होंगी तो हम लोग बना लेंगे, हम लोगों ने जो फिजिकल क्लास में क्वेश्चन किया है उसमें हम लोगों ने बनाना सीखी है। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में लिखा है फर्स्ट वी फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करें फॉर लेस देन एंड मोर देन टाइप एंड देन ड्रॉ पॉलीगोन। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं हम लोग लेस देन के लिए मोर देन के लिए। अब लेस देन मोर देन क्या होता है, आप लोगों के पास दो तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जब इसके लिए काम करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग के पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्लास इंटरवल इधर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास डिस्क्रीट क्लास इंटरवल दी हुई है। डिस्क्रीट क्लास इंटरवल क्या है कि 2 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 10 तक आप लोगों के पास ये क्लास इंटरवल दी हुई है और इनके दरमियान 1-1 का गैप है सही है। तो ऐसी क्लास इंटरवल जिसमें गैप मौजूद हो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट क्लास इंटरवल, और जिसमें गैप ना हो उसको हम लोग क्लास बाउंड्री बोलते हैं या कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलते हैं। खैर हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी, क्लास इंटरवल की मदद से हम लोगों ने क्लास बाउंड्री मालूम करी। आप लोगों को पता है क्लास बाउंड्री किस तरीके से मालूम करते थे, हाँ जैसे कि फर्स्ट क्लास है, दोबारा से रिपीट कर दूं, फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास 2, 3, 4, 2 से लेकर 4 तक है, आप लोग देख सकते हैं पहली क्लास इंटरवल लिखी हुई है 2 से लेकर 4 तक। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो स्टूडेंट्स होंगे जो लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे उन लोगों ने बुक्स ओपन कर ली होंगी, पेज नंबर 16 उनके पास होगा सही है। अभी एक क्वेश्चन बुक से डिस्कस कर रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर, तो तमाम लोगों के पास बुक्स होंगी सही है। जिन लोगों के पास अभी तक जिन लोगों ने बुक परचेज नहीं कीजिए बुक परचेज कर लीजिए जल्द से जल्द। 2 से लेकर 4 तक एक क्लास बनी हुई है, 2 से लेकर 4 तक जो क्लास बनी हुई है उसमें जो अपर क्लास लिमिट है आप लोगों के पास वो है 4 और लोअर क्लास है 2। आप लोग बताइए ये सारी 2, 5, 8, 11, 14 ये सारी लोअर क्लास हैं,
फोर सेवन टेन थर्टीन सिक्सटीन ये सारी अपर क्लास हैं। तो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास आप लोगों के पास क्या है? फोर। फर्स्ट क्लास की अपर क्लास है आप लोगों के पास फोर। तो आप लोगों को पता चल गया हाँ भाई फोर आप लोगों के पास एक ऐसी क्लास है जी, आप लोगों के पास फर्स्ट क्लास की अपर क्लास है। फर्स्ट क्लास की अपर क्लास और सेकंड क्लास की लोअर क्लास, यानी कि फोर और फाइव में डिफरेंस तलाश करना है। फोर और फाइव का जो डिफरेंस आएगा वो वन आएगा, जारी बात है आप लोगों के पास फोर है और फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास फाइव है, तो फाइव माइनस फोर करेंगे तो वन आएगा। जो भी डिफरेंस आता है हमारे पास उस डिफरेंस को डिवाइड बाई टू कर देते हैं हम लोग। जो नंबर आएगा हम लोगों के पास उस नंबर को हम लोग फर्स्ट क्लास के लोअर क्लास है, फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास क्या थी? टू। उसमें से माइनस करेंगे यानी कि टू में से माइनस करेंगे 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 1.5। और अपर में ऐड कर देंगे, अपर क्या था हमारे पास? अपर था हमारे पास 4, तो अपर में ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 4.5 हो गया। नेक्स्ट क्लास क्या थी? जो कि 5 से लेकर 7 तक थी, तो 5 चूंकि लोअर क्लास है तो इसमें से माइनस कर दिया तो 4.5 हो गया, इसमें ऐड कर दिया तो 7.5 हो गया, सही है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्लास बाउंड्री बना ली, जो कि दूसरा कॉलम है हमारे पास क्लास बाउंड्री, इसका क्लास बाउंड्रीज बन गई। आप लोग देख सकते हैं क्लास बाउंड्री बनी है, तो जिस पे खत्म हो रही है उसी से शुरू हो रही है। तो हम लोग के पास जो क्लास इंटरवल डिस्क्रीट दी हुई थी वो क्या हो गए? हमारे पास कंटिन्यूअस हो गई। तो कभी कभी ये भी आता है कि अपने डिस्क्रीट क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस कीजिए। जब अपने डिस्क्रीट क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना है, इसका मतलब क्या है कि क्लास बाउंड्री बनानी है। और क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनानी है पता है आप लोगों को? डिफरेंस लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, पॉइंट वन आया पॉइंट वन को डिवाइड बाई टू कर दें, वन आया वन को डिवाइड बाई टू कर दें, डिफरेंस को डिवाइड बाई टू करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करवाना है और ऐड करवाना है। लोअर क्लास में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, अपर क्लास में ऐड करवाएंगे। जो क्लास बाउंड्री बन के आएगी वो आप लोगों के पास कंटिन्यूअस बन के आएगी, कि जिस पर खत्म हो रही होगी उसी से शुरू हो रही होगी, सही है जी। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो आप लोगों को क्लास बाउंड्री समझ में आ गई होगी क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनी है। इसी तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन दी हुई थी वो आप लोगों ने सामने लिख दी। अब हम लोग आ गए किस पे? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। देख लीजिए आप लोगों के पास जो अगला कॉलम है वो किस चीज का है? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों के पास दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या है कि भाई एक आप लोगों के पास लेस देन है और एक आप लोगों के पास मोर देन है। तो आप लोगों ने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाया, कॉलम बनाने के बाद उस कॉलम को दो में तोड़ दिया, लेस देन और मोर देन। अब लेस देन के दो कॉलम होंगे और मोर देन के दो कॉलम होंगे। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन की बात करते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेस देन के लिए हमारे पास कैसे बनेगी कि हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी अभी जो दी हुई थी फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो दी हुई थी 1, 3, 5, 2, 1। इस फ्रीक्वेंसी से अगर मैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा लेस देन, सही है, तो किस तरीके से निकालूंगा? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाती है, इसमें अगली प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इसमें अगली प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें अगली प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं आप लोग किससे? जो आप लोग के पास बुक में दिया हुआ है। और फिर एक कॉलम छोड़ के अगर हम लोग बात करें किसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मोर देन की, तो वो किस तरह होती है? क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है, तो पहली बारी ऐसी आ जाती है, फिर क्लास फ्रीक्वेंसी माइनस होती है, 12 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 माइनस 5 हमारे पास 3 आ गया, 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ गया। तो जो भी हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है उसमें जो आखिरी फ्रीक्वेंसी होती है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो कर रही होती है, और जो इसकी लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास फ्रीक्वेंसी को शो कर रही होती है, सही है। अच्छा जी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो लेस देन के लिए है इसमें लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो मोर देन के लिए है उसमें मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। देख लीजिए आप लोगों के पास ऐसे लिखा हुआ होगा। अब जब बात करी लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो लिख दिया हम लोगों ने, इसके साथ लेस देन का अपोजिट, एक होती है लोअर क्लास बाउंड्री, एक होती है अपर क्लास बाउंड्री, लेस का अपोजिट अपर क्लास बाउंड्री लिखी जाएगी और मोर देन का अपोजिट लोअर क्लास बाउंड्री लिखी जाएगी। अब अपर क्लास बाउंड्री फर्स्ट क्लास की अपर क्लास जो हो वो लिख देंगे। अब फर्स्ट क्लास की अपर क्लास हमारे पास क्या थी? आप लोगों को नजर आ रहा है इधर 4.5 थी, तो आप लोग इधर क्या लिख देंगे? 4.5 लिख देंगे। एक और तरीका भी होता है, मैं बताता हूं क्या किस तरीके से लिखते हैं। 4.5 लिख देंगे। सेकंड क्लास की अपर क्लास क्या थी? 7.5। फिर इसी तरीके से 10.5, फिर 13.5
और फिर 16.5। ये आप लोगों के पास सारी अपर क्लास आ गई। लोअर क्लास में लोअर क्लास लिख देंगे। देखिए लोअर क्लास में इधर आएगा 1.5, फिर आएगा 4.5, इधर आएगा 7.5, इसी तरीके से चलते चले जाएगा, फिर आएगा 10.5, फिर आएगा 13.5। देख लीजिए इसी तरीके से आप लोगों के पास लेस देन और मोर देन कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई होगी। अब आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई वैल्यूज कैसे लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊं, पेज नंबर 12 पे आ जाइए और पेज नंबर 12 पे आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी हुई है। आ जाइए जल्दी, टर्न कीजिए अपने पेजेस को और इस पेज पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक डेटा दे दिया पॉइंट्स की फॉर्म में, सही है, और बोला क्या, फॉलोइंग रॉ डेटा शोइंग एजेस एंड एयर्स ऑफ 20 चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्कूल, ऑब्जर्वेशन दे दी 20 चिल्ड्रन एंड 20 चिल्ड्रन की आप लोगों के पास एज को शो कर दिया उन्होंने, एक 4.9 यानी कि 4 ईयर्स 9th मंथ का, 3 ईयर्स 2 मंथ का, 3.2 करके शो कर दिया। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 1 ईयर, 1 का गैप देना है आप लोगों को, कोई रेंज कोई हाइट मालूम नहीं करनी, 1 का गैप देना है और क्लास इंटरवल बना देनी है, सही है। फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट मिड वैल्यूज, क्लास बाउंड्री मालूम करनी है, मिड वैल्यूज मालूम करनी है यानी कि मिड पॉइंट। फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है, पता चल जाएगा इससे। और प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, यानी कि लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल बनाने, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल। तो कहने का मकसद क्या है, पहला सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले सॉल्यूशन में उन्होंने सबसे पहले आप लोग मिनिमम वैल्यू मालूम करेंगे, मिनिमम वैल्यू डेटा में आप लोगों के पास नजर आ रही होगी, सबसे छोटी वैल्यू देखनी है 2.6 आप लोगों के पास सबसे छोटी वैल्यू है, सही है, फर्स्ट रॉ में फोर्थ लास्ट नंबर है 2.6, सही है। और मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो इधर मुझे नजर आ रही है वो है 6.1, देख लेते हैं और तो कोई वैल्यू नहीं है, 6.1 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, सही है जी। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो लोअर वैल्यू है वो 2.6 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 6.1। हम लोगों ने इधर देखिएगा 2.6 से स्टार्ट किया, 2.6 को काउंट करेंगे, 2.7 को काउंट करेंगे, 2.8 को, 2.9 को, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 तक। अब आप लोग बोलेंगे सर 2.6 में 1 प्लस करते हैं तो 3.6 आता है, आपने 3.5 लिखा है। मैंने इस वजह से लिखा है आप लोगों के पास 3.5 क्योंकि कैलकुलेटर में जब आप लोग 2.6 में 1 प्लस करते हैं तो कैलकुलेटर 2.6 वाले नंबर को, डिजिट्स को काउंट नहीं करता, उसमें एग्जैक्टली 1 प्लस कर देता है। 1 का मतलब क्या है, 10 नंबर, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 0.1 आएगा। तो जिस तरह 0.1, 0.2, 0.3, यानी कि जब आप लोग के पास 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.9 के बाद फिर क्या आता है 1, तो ये टोटल कितने नंबर्स होते हैं, ये टोटल 10 नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 को अगर डिवाइड करें 10 से तो हमारे पास 0.1 आता है। तो इस जैसे कितने नंबर्स होंगे, इस जैसे 10 नंबर्स होंगे हमारे पास। तो हम लोगों ने 10 नंबर काउंट करें, देखें 2.6, देखें 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0, 3 लिखूं 3.0 लिखूं बात एक ही है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। अब देखिए अगर मैं 3.5 तक मैं गया 2.6 से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि पूरा हमारे पास 1 का गैप हो गया। अब अगली क्या बननी चाहिए, 3.6 से 4.5 बननी चाहिए, फिर 4.6 से 5.5 बननी चाहिए, 5.6 से 6.5 बननी चाहिए, सही है। हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6.1 थी, हमारी लास्ट इंटरवल में आ गई तो हम लोगों ने आगे कंटिन्यू नहीं किया। ये क्लास इंटरवल बनेगी, ये सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 2.5 से बना दी तो आप 0.1 से कम करके बना दें। और ये चीज मैंने आप लोगों को जब फिजिकल क्लास थी, ये लेक्चर ले रहे थे उस वक्त भी बताई थी कि आप लोग चाहें
तो एक डिजिट से पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास 6.1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो मेरे पास कितने पॉइंट ज़्यादा हैं, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। मैं एक डिजिट जाऊँ पीछे से स्टार्ट करना, 2.5 से 2.5 से स्टार्ट कर दें, इधर एक कम हो जाएगा, 6.4 तक जाएगा। आप 2.4 से स्टार्ट करना चाहें वो कर दें, बुक में जो स्टार्ट हुआ है वो 2.5 से स्टार्ट हुआ है, 2.5 से कर लें। तो इस तरह ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइए हमने, सही है कि लास्ट वैल्यू 2.6 और 2.6 से हमने स्टार्ट कर दिया। आप इस तरह करना चाहें कभी भी तो इस तरह कर लें, आप लोग बुक के मेथड से करना चाहें कि आप लोग एक नंबर पीछे लेना चाहें तो पीछे ले लें। कभी कभार ना हमें पता नहीं होता कि जो भी हमारे पास हाइट दी हुई है वो हाइट ऐसी दी हुई है कि पता चले कि इधर हमारे पास ज़्यादा नंबर आए ना। यानी कि मतलब क्या है, बात वाजे कर दूँ, अगर हमारे इस क्वेश्चन में 6.5 मैक्सिमम वैल्यू होती तो 6.5 पे तो ख़त्म हो रहा है, तो अगर मैं इधर 2.6 से स्टार्ट करूंगा तो 6.5 पे ख़त्म होगा, अगर मैं इधर 2.5 से स्टार्ट करूंगा तो ये ख़त्म होगा 6.4 पे, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी नहीं। जब हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी तो हमें एक और क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। बात समझ में आई आप लोगों के? तो जब एक और वैल्यू बना, एक और इंटरवल बनानी पड़ेगी तो वो तो 5 क्लास इंटरवल हो जाएंगे, हत्ता की बननी कितनी चाहिए, 4 बननी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई जो वैल्यू हमारे पास डेटा में है ही नहीं, 2.5 हमारे पास डेटा में है नहीं, हम लोग 2.5 से क्यों स्टार्ट करें, 2.6 डेटा में, 2.6 से स्टार्ट कर दें। सही है, वैसे ऐसा कम होता है कि हमारे पास बिल्कुल लास्ट वैल्यू पे आके ख़त्म हो, पहले ही हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इसके दरमियान इसमें आ जाती है, 6.1, 6.2, 6.3 इसी के अंदर आ जाएगी आखिरी रेंज में। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 0.1 पहले से या एक ऑब्जर्वेशन पहले से स्टार्ट कर लें। और क्यों किया जाता है, इस वजह से किया जाता है सिक्योर तरीका कि भाई एक ऑब्जर्वेशन थी, चलो एक ऑब्जर्वेशन पहले से स्टार्ट कर लिया कि अगर ऑब्जर्वेशन 2.6 थी तो 2.5 भी हो सकते, तो हम लोगों ने एक वैल्यू पहले से स्टार्ट कर लिया। सही है, तो ये लॉजिक थी इसके पीछे। आप लोग चाहें क्लास इंटरवल इस तरीके से बनाना, इस तरीके से ही बना सकते हैं, जिस तरह बुक में बनी उस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से ही बना सकते हैं। अच्छी बात है कि हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली ताकि पॉइंट से रिलेटेड भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास देखी, आपको पता है टैली मार्क किस तरीके से फिल करते हैं, हम लोग पहली ऑब्जर्वेशन देखेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास क्या थी, 4.9 थी, किस क्लास में आएगी भाई 4.9 इस रेंज में आएगी, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी ऑब्जर्वेशन 3.2 थी, किधर आएगी 3.2 इधर आएगी, ये टैली मार्क बना रहा हूँ मैं, सही है ना। इसी तरीके से तीसरी ऑब्जर्वेशन 4.3 थी तो वो इधर आ जाएगी, फिर 3.5 थी तो 3.5 इधर नहीं इधर आएगी, 3.5 2.6 से 3.5 यहाँ तक वैल्यूज हैं। फिर इसी तरह 6.1 है तो 6.1 हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो इसी तरीके से मैं पूरा डाटा कवर कर लूँगा जिस तरह उन्होंने कवर किया हुआ है। आप लोगों के पास क्लास इंटरवल चेंज होंगी तो फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क चेंज हो जाएंगे क्योंकि रेंज चेंज हो जाएगी। जब रेंज अब जैसे 3.6 है तो मैं 3.6 को अगली उसमें काउंट करूंगा, सही। तो अगर मेरे पास या 3.5 है तो 3.5 को मैं इधर काउंट करूंगा, मगर क्या होता है जो बुक के हिसाब से बनी हुई उसमें तो 3.4 है, 3.5 तो नेक्स्ट क्लास में काउंट हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल पर डिपेंडेंट होती है, तो क्लास इंटरवल चेंज होगी, रेंज चेंज होगी, तो आपके पास खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सही, किस ऑब्जर्वेशन किस रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशन आती हैं। मकसद की तरफ आते हैं, मकसद ये है कि क्लास इंटरवल हम लोगों ने बना ली, टेलीमार्क बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला था क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट बनाना है, देख लीजिए उन्होंने क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनाई हुई है, इधर भी मैं शो करवा देता हूँ कि क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनी हुई है। ये रही आपके पास क्लास बाउंड्री, इन दोनों में जो गैप है वो गैप कितना है भाई, हमारे पास 0.1 का है, इधर लिख दिया 0.3.6 और 3.5 में जो गैप है 0.1 का है, जो भी गैप होता है डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 0.05 आ गया निकल के। तो आप अपने लोअर में से माइनस कर, जब लोअर में से माइनस किया तो 2.55 आया, इधर ऐड कर दिया 3.55 आया, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, इसमें से माइनस किया 3.55, इसमें ऐड कर दिया 4.55, फिर 4.55 आ गया, इसमें से जब माइनस किया इसमें ऐड किया तो 5.55 आ गया, फिर इसकी लोअर 5.55 आ गई, उसकी अपर
6.55, और यही क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्रीज बनी हुई होंगी। अब उन्होंने 2.5 से स्टार्ट किया तो देख लीजिए उन्होंने 2.5 उनकी बनी होगी, 2.45 से लेके 3.45 तक देखिए, आप लोग देख सकते हैं क्लास में, आप लोग के पास बुक में देख लीजिए, और बुक में आसानी से आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि उन्होंने जो क्लास इंटरवल बनाई थी, उस क्लास इंटरवल बनाने के बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी बनाई, फ्रीक्वेंसी के बाद उन्होंने सेकंड चार्ट में क्लास बाउंड्रीज बनाई, और क्लास बाउंड्री के बाद क्लास बाउंड्री समझ में आ गई होंगी पॉइंट्स वाली क्लास बाउंड्रीज किस तरीके से बनती हैं, और फिर आप लोगों ने मिड पॉइंट बनाया। मिड पॉइंट आपकी मर्जी है, क्लास बाउंड्री को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर दें, कैलकुलेटर में जब आप लोग प्लस करें तो प्लस करके इक्वल टू दबा दीजिएगा फिर डिवाइड बाई टू कीजिएगा, सही है। वरना होता क्या है, होता ये कि हम लोग दोनों साइन एक साथ लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा प्लस का साइन 2.6 प्लस 3.5 डिवाइड बाय 2, तो बोर्ड मास के रूल के मुताबिक कैलकुलेटर चलता है तो पहले वो डिवाइड करता है फिर वो क्या करता है ऐड करता है, तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तो पहले ऐड करके इज इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, जो नंबर आ जाए उसको फिर डिवाइड कीजिएगा, और अगर आप लोग दोनों वेरिएबल दोनों साइन एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लोग दोनों को प्लस करें, मगर दोनों को ब्रैकेट में लिखें, 26. ब्रैकेट ओपन कीजिए 26.5 प्लस 3.5 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन प्रेस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें, तो आप लोग के पास मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। वो बोर्ड मास के रूल के मुताबिक होगा कि पैरेंथेसिस अलग सॉल्व होंगे और डिवाइड का साइन अलग सॉल्व होगा, सही है जी। तो इस तरह आप लोग के पास मिड वैल्यूज आ जाएंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर दें, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू करें, मिड पॉइंट आ जाएगा। चूंकि इसकी क्लास इंटरवल अलग है, क्लास बाउंड्री अलग बनी है, तो मिड पॉइंट भी अलग आएगा। बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसकी क्लास इंटरवल अलग है, क्लास बाउंड्री अलग है, तो मिड पॉइंट भी अलग आएगा, सही है, पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है कि फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब याद रखिएगा जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकालना सीखी थी कि किस तरीके से निकालते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकली कि जो भी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी बुक वाली ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो भी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आती थी कि हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे और परसेंटेज में शो कर देते थे। ये काम हम लोगों ने वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास में किया था एक क्वेश्चन उसमें किया हुआ है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 आता है, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 100 आता है, क्योंकि हम लोगों ने हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होता है और परसेंट में शो किया होता है। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास, अब जारी बात है, उसमें क्लास बाउंड्री का कोई काम नहीं है, उसमें टैरी मार का कोई काम नहीं है, तो इसमें से हम लोगों ने जो कॉलम थे वो सिलेक्ट कर लिए। हम लोगों ने बोला कि हमारे पास क्लास इंटरवल होना चाहिए, ये देखिए क्लास इंटरवल, क्योंकि टेलीमार्क बेस करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, तो भाई वो टेलीमार्क बोल रहा हूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप लोग मालूम करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, क्लास फ्रीक्वेंसी पे, तो क्लास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होना जरूरी है, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है क्लास इंटरवल पे, तो क्लास इंटरवल का कॉलम होना जरूरी है, यानी कि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसमें क्लास इंटरवल होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तीन कॉलम होने चाहिए। अगर कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती तो अपर क्लास बाउंड्री और कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन या मोर देन, या लोअर क्लास बाउंड्री और कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन, जो भी होती आप लोग के पास इस तरीके से होती। तो कहने का मकसद ये है आप लोग के पास कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग अगर इस टेबल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दें एग्जामिनर को और बोले कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाई आपने, उसकी प्रेजेंटेशन है कि आपके पास क्लास इंटरवल हो, फ्रीक्वेंसी हो, और सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जो फ्रीक्वेंसी की मदद से आ रही हो। तो थर्ड पार्टी भी इधर आप लोगों को शो हो गया कि जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम बनाने हैं। फोर्थ में आ जाइए, अब फोर्थ में उन्होंने बोला कि लेस देन मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है। तो भाई अब देखिए इन्होंने किस तरीके से लिखा है,
वही कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन की, अगर कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन लिख दी, अब जब लेस देन है तो क्या आना चाहिए आप लोग के पास, अपर क्लास बाउंड्री आना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास क्या थी इनके पास, इनके पास फर्स्ट क्लास की अपर क्लास थी, क्लास बाउंड्री भी देखेंगे, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास थी टू, नहीं फर्स्ट क्लास की अपर क्लास थी क्लास बाउंड्री, मालूम करिए इन्होंने कहाँ गई गेरी, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास आप लोग के पास इधर दी हुई 3.4। अब जब क्लास बाउंड्री मालूम कीजिए तो 3.45 हो गई थी, तो फर्स्ट क्लास की अपर क्लास होनी चाहिए और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन होनी चाहिए। तो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन तो आपके पास सारी लिखी हुई देखी है फोर्थ पार्ट में, 4, 12, 18, 20। उसके साथ जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था जैसे नंबर लिख लिए थे, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा लेस देन 3.45, यानी कि आप लोगों के पास जो भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज फोर वैल्यूज अगर कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में आ रही हैं फर्स्ट रेंज में, तो वो वैल्यूज कौन सी हैं जो लेस देन है किससे, 3.45 से। 3.45 क्या है, 3.45 आप लोगों के पास फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है, देख सकते हैं आप लोग अपने बुक्स में। तो कहने का मकसद क्या है आप लोगों के पास के पहली क्लास की अपर क्लास लिखी और साथ में लिखा उसमें लेस देन 3.45। अब लेस देन क्यों लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखी हुई हो तो हमने बुक वाली लिख ली 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जब हम लोग बनाएंगे ना तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम लोगों को क्या शो करवाती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लेस देन मोर देन, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम लोग को ये शो करवाती है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी ये रही, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी ये रही, तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी ये रही, चौथी वाली फ्रीक्वेंसी ये रही। पहली रेंज में कितनी वैल्यूज आती हैं, 4। दूसरी रेंज के आखिर तक यानी कि यहाँ तक कितनी वैल्यूज आ गई डेटा में, कवर हो गई, 12 वैल्यूज कवर हो गई। जारी बात है 4 पहली वाली में थी, दूसरी वाली में 8 थी, तो यहां तक 12 वैल्यूज हो गई। तीसरे वाले के एंड तक 18 वैल्यूज कवर हो गई, 6 वैल्यूज और मिल गई। और लास्ट क्लास इंटरवल तक हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन पूरी की पूरी कवर हो गई, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी। बात समझ में आई आप लोगों के, कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन हमें ये बताती है कि कितना डेटा हमारा कवर होता गया। जब भी उन्होंने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लेस देन के साथ क्या लिखा, अपर क्लास बाउंड्री लिखी, जिस तरह ये लिखा 3.55 और बोला कि ये 4 वैल्यूज इससे लेस देन होंगी, यानी कि इसके अंदर लाए करती होंगी। 3.55 क्या थी, अपर क्लास बाउंड्री थी, आप लोगों ने तो 0.05 पहले ही बढ़ा दी थी, तो हर सूरत में ये वैल्यूज इससे लेस होंगी क्योंकि आप लोग 0.5 पहले बढ़ा चुके हैं, 0.05। तो लिखते कैसे हैं कि लेस देन अपर क्लास बाउंड्री 3.55, उधर क्या थी अपर क्लास बाउंड्री 3.45 थी, तो उन्होंने लिखा है लेस देन 3.45। फिर इसी तरीके से लेस देन 4.45, फिर लेस देन 5.45, लेस देन 6.45। तो ये तमाम वैल्यूज के सामने आप लोगों ने क्या लिखना है, लेस देन करके लिखना है, इस तरह वर्डिंग में लिखना है कि लेस देन जितने भी अपर क्लास हो अपर क्लास लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, लेस देन लिख देंगे। अच्छा जी, मोर देन में क्या आता है, मोर देन में आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल पहली फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास 20 आ गई, 20 में से 4 माइनस किया 16 हो गया, 8 माइनस करेंगे 8 बच जाएगा, 6 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा। जब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मोर देन बनाएंगे तो सारी मोर देन लिख देंगे, भाई 20 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया। अब जब आप लोगों के पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मोर देन में क्या लिखते थे, लोअर क्लास बाउंड्री लिखते थे ना, इधर लिख दिया आप लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्री, तो पहली क्लास की लोअर क्लास बुक में के हिसाब से काम करें तो 2.45 और क्या दी हुई आप लोगों के पास 3.45, 4.45, 5.45, ये वैल्यूज दी हुई है। तो इधर क्या लिखा 2.45 और मोर, यानी क्या आप लोगों के पास क्या है, इधर 20 ऑब्जर्वेशन किसमें होंगी 2.45 और मोर, यानी के इससे पहले पहले कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है इससे पहले ऑब्जर्वेशन, अरे भाई ये तो पहली क्लास की लोअर क्लास थी ना, तो इससे पहले कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, लोअर क्लास बाउंड्री इससे पहले कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं,
तो जब इससे पहले कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, जब भी वो शो कर रहे हैं कि 2.45 और मोर, इससे पहले ये तमाम 20 वैल्यूज आएंगी। ये वाली वैल्यू निकाल दे, 3.45 से स्टार्ट किया तो 3.45 और मोर, मतलब 3.45 तक अभी लेवल बढ़ गया तो आपके पास ऑब्जर्वेशन कम हो गई, यानी कि आप लोगों के पास सिर्फ इस रेंज में कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 4 ऑब्जर्वेशन थी। पता है आप लोगों को पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4 अज्यूम करी हुई थी अभी हमने, तो 4 कम हो गई। इधर हमारे पास 3.45 और मोर यानी कि 16 ऑब्जर्वेशन बच गई, इधर हमारे पास 4.45 8 ऑब्जर्वेशन, इधर हमारे पास 5.45 यानी कि 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन होंगी ना वो हमारे पास यानी कि 5.25 और मोर में हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, 2 ऑब्जर्वेशन होंगी। ये असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है, कहने का मकसद वही है। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जो चीज़ समझाई है आप लोगों को वो चीज़ अच्छी बेहतर तौर पे समझ में आ गई हो, और अगर वो चीज़ समझ में नहीं आई तो कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर को दोबारा से देखें, ताकि आपको कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन और कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी मोर देन दोनों मालूम करना आ जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, उस वक्त तक आप लोगों को बुक में से जितने क्वेश्चंस हैं, बुक के जितने क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सही है। साथ में होमवर्क भी आप लोगों को मेंशन होगा कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस इधर लिख देता हूं, ताकि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आप लोगों की जितनी क्यूरीज हों वो क्यूरीज दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1.8, क्वेश्चन नंबर 1.9। अच्छा, ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी हम लोगों को ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है, वो इसी वजह से नहीं बनाना है क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखे नहीं है। 1.10, ये क्वेश्चन आप लोग के रजिस्टर में होने चाहिए। 1.14 लाजमी होने चाहिए, यानी कि कोई ऑप्शनल नहीं है ये, क्या आप लोगों का दिल चाह तो आप लोगों ने कर लिए, ये सारे सारे क्वेश्चन आप लोग के रजिस्टर में होने चाहिए। बस मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया। 1.18 थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग अगर आप लोगों को सही नॉलेज हो और सही तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो। ये वाला क्वेश्चन 1.18, बस ये होमवर्क है आप लोग का, ये कर लेंगे। बस इसके बाद हम लोग के पास ग्राफ वगैरह रह गए, वो हम लोग निपटा लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्यों करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग ये कोर्स में है मौजूद और बेसिक है हम लोग, ये बेसिक हम लोग की जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा हम लोग को आगे के पढ़ने में, जितने भी हम लोग कोर्स आगे पढ़ेंगे वो पढ़ने में हम लोग को आसानी होगी। तो लाजमन आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आप लोग के होमवर्क क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जब आप लोग के पास आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायग्राम डिस्कस करेंगे, सही है। डायग्राम ये चैप्टर जो है पूरा, ये चैप्टर मैं आपको बताता चलूँ, ये पूरा चैप्टर जो है, जब भी होमवर्क किसी को ज़्यादा नहीं दिया आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, होमवर्क कम दिया आप लोगों को क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों को डेटा दे देता हूँ, बोलते हैं कि क्लासीफाई कर लो, ज़रूरी नहीं है कि हर साल ये क्वेश्चन आए, कभी कभी डायग्राम बनाने को बोल देते हैं, वरना अदरवाइज डायग्राम से रिलेटेड या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड कोई इतना कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता, मगर आने को आ भी सकता है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। तो बस हम लोग जल्द से जल्द वो लेक्चर देके, जो आप लोग के पास है लेक्चर, वो लेक्चर देके आप लोग के पास ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और फिर आप लोग के पास मीन मोड मीडियन यानी कि थर्ड चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सही है जी। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क जरूर लाजमी कर लीजिएगा, बिल्कुल अप टू डेट रहिएगा, अपना रजिस्टर कंप्लीट रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।